पिताजी बोल बेटा इसको क्या घड़ा परेशान किया, घड़ा परेशान किया। ठाकुर साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा मत करो तुम। यू ही नाटक हमारे सामने भी कर रही थी यू। बेटा रंजीत ये तो हरिया की लुगाई है। तो हरिया की लुगाई है तो किसके हाथी उतारू पैसे डालू अपने? आपको पता है आपके पीठ पीछे कितना रुपया लेगी मारे से? और अब मैंने कही कि जमीन मारे नाम कर तो रो के दिखा रही थी मारे को। बेटा रंजीत सही करा तूने, इसके पुरखे भी यही करते आए हैं। अब चुपचाप इस पे अपना अंगूठा लगा और ये सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। हाँ। कर दे। और आज के बाद अपनी सकड़ दिखाइए ना, जा यहां से। बेटा रंजीत तूने बिल्कुल सही किया, ये पैसे गरीबों से ऐसे ही मिलते नहीं है जब तक इन पे ज्यादती ना की जाए। और ये बदबख्त लोग हैं, समझे पिताजी? ऐसे ही उगाया जाता है पैसा। पिताजी ये खून जो है ना हमारे शरीर में वो थारा है थारा। अरे बेटा और रंजीत ऐसे पता है, ऐसे यू रंजीत किसी के ऊपर अपना पैसा तो कैसे बिना छोड़ सकते। बेटा रंजीत तेरी रगों में ठाकुरों का खून है और मेरे पिताजी और हम यही करते आए हैं, ये विरासत हम लोगों ने संभाली है, अब तेरे कांधों पर है बेटा रंजीत। पिताजी यो तो हमारे को पता ही था कि एक ना एक दिन इस गांव का सारा दारू मदार हमारे पास आना है। आप तो चिंता कतई ना करो। ना बेटा रंजीत मुझे चिंता नहीं है। जब आपने मेरा बेटा है रंजीत ठाकुर, जब आपने हमारे कंधों पर कोई बोझ रखा है ना तो उसको मैं भी घनी जिम्मेदारी से संभालूंगा, आप चिंता ना करो। हाँ बेटा रंजीत मैं तुझसे यही उम्मीद करता हूँ। और जब से हमारे अंदर बुआ के यहाँ से जब से आया हूँ ना हरियाणा से, तब से तुम्हारी रगों में बस इतना हो गया है कि कैसे भी इन गांव वालों का मैं खून चूस लूं। हाँ बेटा शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है पिताजी अभी तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? अरे कहाँ जा रहा हूँ, शिकार के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मारे को शिकार की बड़ी खुजली हो गई है कि जब तक दो चारों को ना मार दूँ ना तो मारे दिल को सुकून। क्या बात है बेटा रंजीत, ठीक है पिताजी। क्या शिकार? शाम को थोड़ा देरी से आऊंगा। आ जाना। मेरा बेटा मुझ पे गया है ठाकुर रंजीत। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तू तो घनी बड़ी होगी। ठाकुर साहब हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए, छोड़ तो दिया। वैसे गौरी तू तो काफी बड़ी होगी, मैंने तो थारे को छोटा सा देखा था। हाँ तो ठाकुर साहब मैं छोटी रहूंगी क्या? बिहार आख होगी, थारे बाप को थारे ब्याह की चिंता ना लागे है के? अरे हो जाएगा ब्याह, अब इसे ब्याह की क्या जरूरत है? ब्याह की क्या जरूरत है? ब्याह की तो सारी जरूरत है, घनी जवान हो रखी है। ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं तो दिल से दिल के तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। देखिए ठाकुर साहब अब हमसे दूर रहिए। दूर रहिए, इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है। तो मैं कौन सी ये इज्जत लूटने की बात कर रहा हूँ, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि ये दिल से दिल के तार जुड़ जाए और थारा मारा मिलन हो जाए तो घना आनंद हो जावे। हाँ ठाकुर साहब ये क्या बोल रहे हो आप? ठाकुर साहब मुझे लगता है आप अपनी हद से बाहर जा रहे हो, जाइए आप। खड़ा मन को प्रसन्न कर गई छोरी, अगर ये रंजीत थारी हो जाए तो आनंद ही अलग हो जाए। हाँ सूरज सूरज गौरी सूरज कहाँ, मतलब इतनी देर कैसे? मैं तुमसे मिलने आई थी। मिलने तो आई थी पर वो सब तो ठीक है, पर घबरा क्यों रही है तू, क्या हो गया तुझे? अरे कुछ नहीं, वो रास्ते में ठाकुर मिल गया था मुझे, उसी की वजह से तो मैं लेट हो गई। ठाकुर मिल गया था तुझे? हाँ। कुछ कह रहा था ठाकुर? कुछ कह रहा था, इतनी गंदी नीयतों से देख रहा था मुझे वो। ठाकुर तुझे गंदी नीयत से देख रहा था? गंदी नीयत से देख रहा था और मुझे यूं करके मुझे छू रहा था। तुझे छुआ था ठाकुर ने?
एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो ये है गोरी के मतलब हमको कोई अच्छे से जानता नहीं इस गांव में। सूरज हाँ मुझे उसकी आदत अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब हुआ क्या, किया क्या उसने? मुझसे कह रहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। दिल में जगह है? उस ठाकुर रंजीत सिंह की इतनी औकात की मतलब उसने तुझे टच भी किया और ये भी कहा कि मतलब देख गौरी मैं बताऊं तुझे, देख तेरा मेरा रिश्ता बचपन से है और गौरी तेरी मेरी शादी घर वालों ने बचपन में ही तय कर दी थी और ये जो भूखे भेड़िए डोल रहे हैं ना बस अब यही है गौरी कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले। सूरज मुझे तो बहुत डर लगता है कहीं वो ठाकुर कहीं मुझे रास्ते में कभी उठा ना ले जाए। अरे हाँ ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा, वो भी तुझे मतलब कानून नहीं है, पुलिस नहीं है, क्या नहीं है, मतलब ऐसे मतलब ना जाए मतलब किसी को भी मतलब ऐसे उठा के ले जाएगा कोई भी। पता ही, वो कह रहा था मैंने तो छोटी सी देखी थी अब तो तू खड़ी बड़ी हो गई है। मुझे बहुत डर लगता है। गौरी गौरी तू ना देख फिक्र मत कर, मैं ना आज ही बात करता हूँ भैया से शादी की, ठीक है? और किसी भी बात की चिंता मत कर और तू ना निकलना काम कर दे घर से, बाकी तू चिंता मत कर, मिलने वाली बात है। मिलने बगैर नहीं रह पाती सूरज। नहीं चिंता मत कर, पर ये भूखे भेड़ी डोलने इनसे भी तो बचना है गौरी, कहीं कुछ कर दिया तो। गौरी ऐसा है तू घर जाए इस समय, ठीक है? मैं भैया से बात करके फिर तेरे से बात करूंगा। घर जा, जा घर जाइयो, सीधे जा, मैं काम कर लूं थोड़ा। ठीक है ठीक है जा। इन बातों को सुन के पानी सर से ऊपर निकल रहा है, हो ना हो आज भैया से बात करके ही रहूंगा, इस बारे में बात ही करनी है मुझे भैया से। भाभी भैया भैया अरे सूरज। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो, इतने घबराए हो सूरज, क्या बात है? बस भाभी ये कह रहा था वो भैया कहाँ है? हाँ भैया घर में है, अंदर है। भैया को भैया से बात करनी थी, उन्हें बुला लो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम इतने घबराओ मत। मैं हाँ मैं अभी 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 अभी, अभी तुम्हारे भैया को अभी बुलाती हूँ। सुन रहे हो पंडित जी? पंडित जी। अरे हाँ हाँ भगवान, क्या बात है? जरा बाहर आइए। आ रहे हैं भैया, तुम कुछ चैन वैन लेने दोगे मुझे? ले लेने दो। अरे पंडित जी देखो जी, हाँ खुश रहो खुश रहो बेटा। और सूरज बेटा ठीक है जी? हाँ हाँ बता जी। देखिए इतना घबराए हुए हैं, क्या बात है सूरज मुझे बता। भैया मुझे बात करनी थी आपसे। हाँ बता बता बेटा। भैया वो हमारे जो गांव के ठाकुर है ना, ठाकुर रंजीत सिंह, है ना? ठाकुर का बेटा है? हाँ हाँ हाँ, ठाकुर का बेटा जो रंजीत सिंह जो है, जिसका नाम है रंजीत। तो भैया वो ना गौरी है ना, गौरी जिसने अपनी गौरी बता ना। तो भैया वो ना आज वहां से होके गुजर रही थी रास्ते से होके, उसने ना उसको आज छेड़ा भैया। रंजीत ने छेड़ा भैया। और बाप बेटे ये मान के नहीं दे रहे ये। हाँ भैया वो मतलब उसने मुझे सारी बात बताई और मतलब वो बोल रही थी कि ऐसे ऐसे मुझे छेड़ा, उसके साथ छेड़ा खानी की और उसको। तेरी तो कोई बात अभी हुई नहीं है? मेरी अभी नहीं, मैंने अब ऐसा है तुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जो हरिया ना, हरिया अपना, हाँ हाँ हरिया, हरिया की बीवी से जबरदस्ती उसने साइन करा है। जब से इसका बेटा है ना, ठाकुर का बेटा हरियाणा से आया है, अजीब पागलों की हरकतें कर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे गांव को खा जाएगा। पता नहीं तो वो तो गांव से चले भी गए, छोड़ के भाग गए वो। भाई क्या करे आदमी, अपना मजदूरी करने शहर में जाके। अब बताओ, गौरी तो बहुत छोटी सी थी गांव में, अब वो गौरी के साथ ऐसा करेगा? पंडित जी कुछ कीजिए, आपने ये रिश्ता तय किया था बचपन में बच्चों का, तो आप कुछ कीजिए, ये बच्चे तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। पंडित जी अब आप ना देरी मत कीजिए, आप गौरी के माँ बाप से मिलके ना और इन बच्चों की शादी करवा दीजिए। अरे तो बिल्कुल, अब तो क्योंकि ना अब मुझे भी घबराहट होने लगी है। नहीं नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ हो गया बच्चों। अरे हम भी पंडित हैं, हम भी पैसे वाले हैं, किसी डर जाएंगे? हाँ भैया, रवि शंकर प्रसाद नाम है मेरा। तुम सूरज बिल्कुल मत घबराओ, तुम और ऐसा है इसकी शादी की तैयारी करो। हाँ आप ना इनके मम्मी पापा से बात कर लो। एक काम करो, इसे सूरज को अंदर लाके खाना वाना खिलाओ और सुन, ज्यादा बाजार में उधर अभी निकला है मत। मैंने उससे भी मना मैं गौरी को मना कर दिया तूने? हाँ, मैंने कर दिया। है ना? हाँ। तेरी शादी हो जाए
और फिर मैं शहर जाके जो मेरे ताल्लुकात हैं इन दोनों को मैं अंदर करवा दूंगा। मुझे ये बीमारी जड़ से खत्म करनी है। ठीक है, चलो मैं जरा बाहर हो गया आता हूं। पंडित जी आप चले आओ, बात करो। चलो सुरभि चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने भी देता हूं। अरे राम राम जी, राम राम पंडित जी। राम, कैसा है रे रंजीत? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोगों की कृपा बड़ी रहे तो रंजीत पे के परेशानियां आ सकती। तू तो जवान सा हो गया। जवान सा के बस खाने पीने से धे बढ़ गई है बुद्धि, तो वही घनी बच्चों वाणी है आज भी। नाक निकलती थी तेरी, तुझे मैं रुमाल देता था साफ करने के लिए, याद है? याद है मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया था और तेरा नाम रेटा रखा हुआ था। कैसे भूल सकूं हूं, कैसे? हाँ ये याद रखियो, ठीक है? जी जी जी, राम राम। मारे को इतनी बेइज्जती से बढ़ा के क्या है इस बुड्ढे ने अपने जीने की ख्वाहिश हम मारे को लगता है खत्म कर दी है। डा अपने जिंदगी से प्यार ना करे है, जो मारे को भूल के गया कि थारी नाक निकलती थी। इसको के पता कि मैं इतना हराम हूं कि मैं इसकी भी नाक निकाल सकूं, पर के करूं बंदिशों में हूं। पंडित है ना, और साथ में मारा अध्यापक भी था, पर कोई ना, थारे को तो मैं देख लूंगा। हाँ पिताजी, पिताजी। अरे बेटा रंजीत कैसे चीख रहा है, क्या बात है? चीख तो मैं यूं रहा हूँ कि आपने हमारी थोड़ी सी भी इज्जत सोची ना सोची। क्यों, क्या हुआ बेटा रंजीत? वो दो कोड़ी का पंडित महारे से कहता है कि थारी नाक निकलती थी, थारे को रूमाल पकड़ाता था मैं। उसके ऊपर महारा कोई पैसा है या ना? उसके पुरखों की जमीन हमारे पास गिरवी रखी है बेटा रंजीत। उसके पुरखे हमारे पास जमीन रखते आए हैं और उस पर भी हमारा कर्जा है। उस पंडित पे, वो दो पैसे का पंडित हमारे बेटे रंजीत से बगावत करने की कोशिश कर रहा है। पिताजी बस। मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था कि कैसे भी उस पंडित को मैं अपने कदमों में झुकाऊं, क्योंकि उसने मारी बेइज्जती की है और किसी की इतनी औकात ना कि ठाकुर रंजीत की बेइज्जती कर जाए। उसका गरीबान पकड़कर बेटा रंजीत ले आता अपने बाप के पास। अब तो मैं उसके साथ वो करूंगा कि उसकी सात पुश्ते भी जन्म लेने में कतराएंगी। बस पिताजी बस, अब उसकी जो जमीन के कागजात है ना, वो बस कैसे भी मारे हवाले कर दो और उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दो, मारे को उसके साथ के करना है। सूरज, सूरज कहाँ चला गया? अरे अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते गौरी, तू कैसे? वो भाभी सूरज से मिलने आई थी, कई दिनों से मिली नहीं हूँ तो रहा नहीं जाता। सूरज से मिलने आया कर ना, घर पे तो किसी से मिलने तू आ नहीं सकती। भाभी शादी के बाद आप ही के पास तो रहूंगी। अब शादी के बाद तो रहेगी रहेगी, सूरज को घूम मिलने आई है ना। सूरज और पंडित जी दोनों जने बाजार गए हैं, बाहर गए हैं तेरी शादी की शॉपिंग करने, तेरी शादी का सामान लेने। क्या? हाँ, और तू है कि कबूतरी की तरह घूमती रहती है गांव में। भाभी क्या करूं, मुझे भी सूरज के बगैर रहा नहीं जाता। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है ना, तो थोड़े से दिन का सब्र तो कर, सूरज से ही होगी तेरी शादी, क्यों चिंता कर रही है? और जा घर, अब ज्यादा घूमा कर मत गाँव में, निकल जाती है कबूतरी की तरह उड़ती फिरती है। अभी मुझे सूरज ने तो बताया नहीं कि शादी की शॉपिंग करनी। अब सूरज ने नहीं बताया ना? नहीं। चल अंदर चल, मैं कैसी तैयारी चल रही है शादी की मैं दिखाती हूँ तुझे। हाँ आ जा, खुश हो जाएगी। ले बेटा रंजीत, ये वही खाते हैं पंडित के पुरखों के भी हैं इसमें, जिन्होंने कर्जा अदा करा है और जिन पर कर्जा है। आज से मैं तेरे हवाले करता हूँ। अब पिताजी आप मारे ऊपर छोड़ दीजिए कि मारे को की करना है। ठीक है बेटा। भाभी आपने तो मेरा इतना पेट भर दिया, इतना खिला दिया है मुझे, चार दिन तक भूख नहीं लगेगी।
अरे इतना सा तो प्यार किया है, क्या खिलाया, जो घर में है वो खिलाया है। इसे इतना प्यार कर रही हो, पता नहीं शादी के बाद कितना प्यार करो। वो तो मैं करूंगी क्योंकि तुम मेरी सूरज की है ना। अब तू सीधी घर जा, ठीक है? और घर जाकर तैयारी देख शादी की, क्योंकि मैं भी घर पे तैयारी देख रही हूँ, ठीक है? और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरी का, ठीक है? अब जा भी, ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कितनी पागल लड़की है, सूरज के लिए बिल्कुल पागल हो गई है, पता नहीं क्या होगा। मैं तो चाहती हूँ सूरज की शादी हो जाए, बहुत सारी खुशियां आ जाए घर में बस। कब से इंतजार कर रहा हूँ थारा हरे पास आने का, पर तू है कि भारी चक्कर से बाहर निकल जावे। देख रंजीत, तू इस तरह मुझे रास्ते में मत छेड़ा कर, अब मैं किसी और की अमानत हूँ, सूरज से मेरी शादी होने वाली है। के कहा, सूरज से थारी शादी होने वाली है? हाँ शादी होने वाली है। सूरज तो वही है ना, पंडित का भाई। हाँ तो अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली क्या बात है, थारे को ये ना पता कि उसकी सारी जिंदगी हमारे हाथों में है, और मैं अपने जीते जी तो कैसे भी थारे को किसी को ना होने दूं, और वो बेवकूफ सूरज जो किसी मतलब करना है तो उसकी होने वाली उसके पास है क्या? उसकी सारी जमीन जायदाद तो तुम्हारे पास गिरवी रखी है। मैं तो कहूं देख रंजीत, तू मुझसे तुम्हारी हो जा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अब वो होगी कि पूरा गांव सरेआम देखेगा कि ठाकुर रंजीत उसकी इज्जत कैसे नीलाम करेगा। देख रंजीत, तो सूरज के साथ कुछ नहीं करेगा, मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ। बहू? उस घर की बहू तो तू बाद में बनेगी, पहले अगर यही जिद वाली बात है तो तू ठाकुर रंजीत के घर की बहू बनेगी। और सुन ले मेरी बात, अगर तूने थोड़ा सा भी ड्रामा किया ना तो ठाकुर रंजीत उन लोगों के साथ इतना बुरा करेगा कि उनकी सात पुश्तें भी याद रखेंगी कि किसके चंगुल में फंसे हैं। छोड़ मुझे। अब तो तू शादी की तैयारियां कर। हाँ मैं तो भूल गया, शादी की तैयारियां तो थारे घर चल रही हैं, बस दूल्हा चेंज हो गया है, बस सुहाग रात का बिस्तर अच्छी तरह तैयार करना। हाँ रंजीत, तू ना पागल हो गया है। पागल तो मैं बहुत पेड़े से हूँ तेरी वजह से, अब तो तू बस मारी होगी रहेगी। सूरज, सूरज। अरे गौरी, अरे क्या हो गया? सूरज क्यों क्यों रो रही, क्या बात है? उस ठाकुर रंजीत ने आज मुझे फिर छेड़ा। ठाकुर रंजीत ने आज तुझे फिर छेड़ा? मतलब कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। गौरी देख, तू रोना बंद कर, देख मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं तो तुमको देखने गई थी घर पे, वहां से लौट रही थी तो रास्ते में रंजीत मिल गया मुझे और मुझे फिर छेड़ने लग गया। नहीं तू सुन, उसके उसका इलाज है, लेकिन ऐसा है मैं देख तेरी मतलब अपनी शादी के लिए सारी तैयारी करके लेके आया हूँ, बस भैया कल शहर से आ जाएंगे और वो पूरा सेटलमेंट कर देंगे, बाकी मैं अभी देख तेरे लिए सूट वगैरह लेके आया हूँ ये सब। सूरज रंजीत मुझे बहुत परेशान करता है। अरे तो तू रो क्यों रही है? रो कर, तू चिंता मत कर, उसका इलाज है, उसको मैं भैया को बोल दूंगा, वो फिर मान जाएगा, उसने शायद भैया की भैया ने कहा नहीं होगा, भैया भूल गए होंगे, तू चिंता मत कर, क्यों रो रही है? और देख फिर अब शादी है जल्दी में, चिंता मत कर, ठीक है? टेंशन मत ले, तू घर जा अपने, ठीक है? मैं भी घर पर सामान वगैरह दे आऊं, ठीक है? सामान में रख दे, ठीक है? जा जा, है ना, रोइयो मत, ठीक है? जा घर जा। भाभी, भाभी, अरे
सूरज हाँ आ गया हाँ मैं आ गया और ये कुछ सामान ले आया हूँ ठीक है। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है हाँ, सामान आ गया सब। और वैसे आप बाकी सब और मैं एक बात भैया कहाँ है आप भैया भैया की तो बता रहा था मैं भी बता नहीं वो ऐसा है कुछ सामान रह गया है तो वो शहर गए हुए हैं वो आ जाएंगे तो सामान लेके आ रहे होंगे कुछ तो कुछ तो बताया होगा कब तक आएंगे तो वो आ जाएंगे शाम को आ जाएंगे कल आ जाएंगे शहर गए हुए हैं तो फिर मैं नहीं तू चल पहले कुछ खा पी तो ले बस मैं अभी आ रहा हूँ दो मिनट बस अभी आ रहा हूँ तो अभी आया है तो कुछ तो खा ले चाय पी ले चल चाय दे देती अरे नहीं मैं बस अभी आ रहा हूँ दो मिनट में अभी आ रहा हूँ बस मुझे थोड़ा सा काम है ठीक है मैं आ रहा हूँ हाँ मुझे सब पता है मैं सब जानती हूँ इसकी हरकतें ये गौरी से मिलने गया होगा जरूर क्योंकि उसके बिना ये रह नहीं सकता बच्चे हैं चलो जाने दो रंजीत हरामजादे तूने मेरी घर की इज्जत पे हाथ डाला हाथ डाला यू करे बाढ़ छोड़ दे नहीं तो इतना बुरा हो जाएगा थारे साथ कि तू सोच भी ना सके है अपनी औकात में रह के बात कर क्योंकि तू मालूम है किससे बात कर रहा है तू ठाकुर रंजीत से बात कर रहा है और उसका कड़े बाढ़ पकड़ के वो भी थारी इतनी मजाड़ हो गई और किस इज्जत की बात कर रहा है मैंने ऐसा के कर दिया सुन रहा है तू गौरी मेरी घर की इज्जत है मेरा जुनून है और तूने उस पर हाथ डाल के अच्छा नहीं किया है अब जिद हो गई इसी बात की कि ठाकुर रंजीत गौरी को अपनी बड़ा कर रहेगा बचपन से मेरे भाई ने तुझे पढ़ाया तुझे हर एक बात सिखाई और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तो एहसान ना किया तारे भाई ने मारे ऊपर अध्यापक था उसने अपने अध्यापक होने का फर्ज निभाया और मैंने पूरा पैसा दिया है उसको अपनी पढ़ाई का और तू किसे संस्कार की बात करता है मारा संस्कार तो मारे बापू ने मारे को यही सिखाया है कि जीतो और राज करो ठीक है अब मैं भी देखता हूं कि इस खेल में तू जीतता है या मैं जीतना तुम्हारे कोई है अब चाहे इस गांव में खूनी खून क्यों ना हो जाए लेकिन गौरी जो है ठाकुर रंजीत की होके रहेगी गौरी गौरी कौन है अरे रंजीत तू यहाँ क्यों आया है चला जा यहाँ से माँ बाबू जी है नहीं यहाँ पे माँ बाबू जी नहीं है तभी तो थारे को अपना बढ़ाने के लिए आया है ये रंजीत तू ये फालतू बकवास मत कर और चला जा यहाँ से सीधे चला जाओ अब मुझसे बदतमीजी मत कर अब तो तू मारी होके रहेगी चाहे उसके लिए मुझे थारे को उठा ही पूरा लेके जमा तूने ये अच्छा नहीं किया अच्छा ना किया अच्छा ना किया जब मैंने थाने को पहले ही बताया था कि तुम्हारी हो जा लेकिन तू ना मानी अब देखता हूं किसमें इतनी ताकत है जो ठाकुर रंजीत की चंगुल से थाने को बचा के ले जा सके देख रंजीत तू ये हरकतें करना भूल जा अगर सूरज को पता चल गया ना तो मुझे तुझे नहीं छोड़ेगा मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सके है और थारे को तो मारी बढ़ के रहना ही पड़ेगा पड़ी रहे यहीं और चुपचाप यहाँ पड़ी रहे क्योंकि अब मैं देखूंगा कि किसमें इतनी ताकत है जो ठाकुर रंजीत से चैलेंज कर सके उसने ये कहा था ना कि कौन जीतेगा अब जीतेगा तो ठाकुर ठाकुर बाहर निकल पंडित हमारी हवेली पे इंस्पेक्टर साहब यही है वो ठाकुर गिरफ्तार कर लीजिए इसको गिरफ्तार कर लीजिए हमारा कसूर क्या है पंडित क्या कसूर है हमारा हम बताते हैं तुम्हारे बेटे का कसूर क्या है तुम्हारा बेटा इनकी बहू को उठा के लेके गया है उसने कानून तोड़ा है अब उसको सजा मिलेगी ठाकुर बनते हो बहन बेटियों की इज्जत का सौदा करते हो अरे क्या संस्कार नहीं दिए मैंने तुम्हारे बेटे को कितनी मेहनत की उसके साथ मैंने लेकिन वो गंदी नाली का कीड़ा ही निकला और तुम ये बड़ी बड़ी मूछ लगाए घूमते हो
कभी बहन बेटियों की तरफ एक इज्जत की निगाह से देखा है तुमने? आज वो किसी की बेटी को उठाकर लेकर गया है। ठाकुर, ये अच्छा नहीं किया उसने। देखो पंडित, उसने गांव की बेटी उठाई है, जैसे गांव की सब सारी बेटियां हैं वो हमारी भी बेटी है, और हमारा बेटा अगर रंजीत ले गया तो उसको सजा हम खुद देंगे, हम खुद देंगे उसे। अगर पंडित उसने ये गुनाह किया है तो हमें पता है कि हमारा बेटा कहाँ है, हम उसे खुद देंगे सजा। चलिए रंजीत, रंजीत बाहर निकल, रंजीत। पिताजी, आपके घर की बहू ले आया मैं। चुप, रंजीत, रंजीत इसे छोड़ दे, ये गांव की इज्जत है, हमारे गांव की बहू है। पिताजी, मैं इसको ना छोड़ू, क्योंकि ये सब मैंने आपसे ही सीखा है कि अब किस कैसे कैसे खेलना है दुनिया से। बेटा रंजीत, इसको छोड़ दे, ये संस्कार हम ठाकुरों ने नहीं दिए। नहीं बेटा, बेटा छोड़ दे रंजीत इसको। बेटा, मैंने जो पाठशाला पढ़ाई थी वो बहुत गलत पढ़ाई थी बेटा। पंडित जी ने जो पाठशाला पढ़ाई थी वही एक पाठशाला पढ़ाई के लायक थी। नहीं बेटा, हम ठाकुरों की शान है ये, कभी बहू बेटियों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता, मैं आपका पढ़ाया हुआ पाठ कभी ना भूल सकूं। और मेरा तो केवल यही है, आपने ये सिखाया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और आज चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए पर मैं इसे ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा पिताजी, ना छोड़ूंगा। बेटा रंजीत, हम ठाकुर अपनी जान तो दे सकते हैं, बहू बेटियों की इज्जत से नहीं खेलते। बेटा रंजीत, बेटा रंजीत, बेटा रंजीत, बेटा रंजीत, बेटा, बेटा, बेटा रंजीत, बेटा रंजीत, आप खोल बेटा रंजीत। पिताजी मुझे, बेटा आप खोल, मुझे मेरे पापों की, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बेटा, पिताजी नहीं बेटा, बेटा रंजीत। इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ, और बेटा तुम्हें, तुम भी माफ कर देना उसको, मेरा बेटा रंजीत को भी माफ कर देना।